व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों के क्या व्यूज हैं कार्बन क्रेडिट में, या कौन सी चीज है जो आप समझना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन क्रेडिट, और एनी इंफॉर्मेशन यू वांट टू गिव विद रिस्पेक्ट टू कार्बन क्रेडिट. और कार्बन क्रेडिट के साथ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट क्रेडिट एंड ग्रीन क्रेडिट भी है एक तरह से, लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट भी है. पर अगर बेसिक बिल्कुल स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट होता है 1973 से. 1973 में अरब इजराइल वॉर हुई थी, और अरब इजराइल वॉर में देयर वॉज सैंक्शंस फ्रॉम ओपेक कंट्रीज ऑन वेस्टर्न कंट्रीज. सैंक्शन ये था कि हम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज को, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज वर सपोर्टिंग इजराइल. दैट वॉज वॉट हैपेंड इन 1973. बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस फ्रॉम ओपेक कंट्री ऑन वेस्टर्न कंट्रीज द ऑयल प्राइसेस रोज 3 times, 3 गुना प्राइसेस बढ़ गए. मतलब जो 3 रुपए पर बैरल ऑयल थी उस समय, वो 9 रुपए, इस तरह से कुछ फिगर आ गया बहुत बड़ा. आई दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर. एंड इट इज कॉल्ड ऑयल एम्बार्गो. उस ऑयल एम्बार्गो के कारण वेस्टर्न कंट्रीज ने इंस्टीट्यूशन बनाया, जिस इंस्टीट्यूशन को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. पर उस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इंस्टीट्यूशन के अलावा सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑयल का कंजर्वेशन स्टार्ट कर दिया. एंड कंजर्वेशन बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टाइट अवे फ्रॉम द ऑयल क्राइसिस. और उन्होंने अपने अपने अलग अलग लॉज, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स बनाए. तो यूएसए ने एक लॉ बनाया जिसको बोलते हैं द एनर्जी पॉलिसी एंड कंजर्वेशन एक्ट 1975. जापान ने बनाया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 1979. दीज वर द टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. आज भी ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज. कनाडा ने तो 1992 में बनाया है कनाडा एनर्जी एफिशिएंसी एक्ट 1992. फ्रांस में 1974 में हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का आ भी गया था. सो एनर्जी कंजर्वेशन इन दैट सेंस, ऑयल एंड नेचुरल गैस के सेंस में, इट बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट बिकेम सो इंपॉर्टेंट कि उसके लिए लॉ एंड पॉलिसीज डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाना शुरू करे. इंडिया को उस ऑयल क्राइसिस से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन इंपैक्ट तो पड़ा था. सो इंडिया ने भी बहुत सारे स्टेप्स लेना शुरू कर दिए. 1976 में इंडिया ने पेट्रोलियम कंजर्वेशन एक्शन ग्रुप बनाया, जो मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल पेट्रोलियम, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम था, अब थोड़ा सा नाम नेचुरल गैस ऐड हो गया है. उसके बाद इन्होंने एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का ड्राफ्ट बनाया 1988 में. उसके बाद एक सेकेंड ड्राफ्ट बिल बना 1996 में. तो 1988 में एक फर्स्ट ड्राफ्ट बना, 1996 में सेकेंड ड्राफ्ट बना, थर्ड ड्राफ्ट बना एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का 2000 में. वो जो 2000 वाले ड्राफ्ट है, दैट ड्राफ्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इन 2001. 2002 में इट वॉज एनफोर्स्ड इन इंडिया. ऑल राइट, बट 2002 में जो एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट एनफोर्स हुआ, उसके पहले 1989 में गवर्नमेंट ने एक एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बना लिया था. एनर्जी मैनेजमेंट का सेंटर का भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पेशली ऑयल कंजर्वेशन. इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए जो 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बना, उसमें एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया गया. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का मेन ऑब्जेक्टिविटी एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी. एंड लॉट ऑफ फंक्शंस एंड पावर्स वर गिवन टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. सो टू सम इट अप, दिस इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड Why Bureau of Energy Efficiency was established and Energy Conservation Act 2001 was enacted by the Parliament.